डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6D। यहाँ पे देखो, इन दोनों को प्लस करना है, पहला क्वेश्चन ऐड करना है। सो डेसिमल वाले में आपको ध्यान रखना होता है, एडिशन में क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखते हैं, उसके बाद जैसे एडिशन होता है वैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे 37.06 है, सो 8 कहाँ पे, यहाँ पे पीछे से लिखो 54.8। ठीक है, अब यहाँ पे 5 + 6 11 हो जाएगा, 11 का 1, और यहाँ पे 4 + 1 5 0.875 15, 3 + 1 4 45.51 हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे, 72.58 और यहाँ पे 41.32। बस याद रखना है डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। यहाँ पे 10 हो जाएगा, और ये 5 + 3 8 + 1 9, 2 + 1 3 7 + 4 11, तो 11 13.90 हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या करना है, 293.704, 58 है और 0.91 है, तो हमें क्या करना है, हमें तो पीछे से लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा। अब देखो वन स्टेंस तो 91, ये वाला नंबर पीछे से लिखो 85। ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद वाला नंबर भी पीछे से लिखना है, क्योंकि पॉइंट के बाद वन स्टेंस इधर आ रहा है ना, तो वन स्टेंस के नीचे लिखो। सो यहाँ पे 4 1 7 + 9 16, इधर वन जाएगा, 4 + 8 12, 9 + 5 14 + 1 15, 2 + 1 3 352। ठीक है, 0.614। सो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि मैं कैसे बता रही हूँ। यहाँ पे एक और कर लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। 432.75 है और यहाँ पे 21 है, तो हम 21 पहले यहाँ लिखेंगे, 0.804 प्लस कर दो 4 5 15 का 5, 2 + 1 3 + 4 5 4। सो ये है इसका आंसर। इसी तरीके से इसको भी लिख लेंगे, 61.803, राइट। 307 है तो 703.96, और 14 14.5। अब जिसके नीचे कुछ भी नहीं है उसको एज इट इज लिख दो, या अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अब जीरो लिख दो इनके नीचे, ठीक है, सो दैट कंफ्यूज ना हो। तो 3 6 18 17 9 8 17 3 20 2 22 की दो हाथ लगा दो, ठीक है, 7 1 8 2 10 4 14 की 4 हाथ लगा 1 6 1 7 1 8 और 3। सो 384, इसमें यही तो आंसर आएगा, 384.263। हाँ ये, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन, इसमें भी आपको असेंबल करना है, बस यही आना चाहिए, 5.5 है, 66 है तो 66.66, 77 है तो 777.777, बस प्लस कर दो 7 7 + 6 13, 7 + 6 13 + 5 18 18 1 19, 5 6 11 11 7 18 1 19 13 14 और 7 1 8। सो दैट्स इट, 849.937, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसमें एडिशन करना था, नाउ सब्ट्रैक्ट करना है, तो जस्ट ये भी सिंपल मेथड है, जैसे सारे सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे इसको भी, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट देना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कैसे करेंगे, 13.9 है, 13.92, 7.54, तो 7.54 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो देखो 2 में से 4 नहीं जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, 8 में से 5 जाएगा 3, 13 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है, ये था 4.38 पहले का आंसर। 7 6 13 होता है ना, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ बच्चों को बताते हुए। 51.06, 28 को सब्ट्रैक्ट करना है 0.49। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 में से 9 हो गया 7, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ पे 0 था, 10 में से 8 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 8, ठीक है, 22.57 इसका आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि कैसे करना है। मैं इसको यहीं पे छोड़ती हूँ, या फिर एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, लेट्स से ये वाला कर लेते हैं, ई वाला, ठीक है, 503.14 99.88। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे 12 में से 9 जाएगा 3, 9 में से 9 जाएगा 0, एंड 403, यहाँ पे ई का आंसर हो जाएगा ई। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ इसी में का, जो फ्रॉम लिखा हुआ है।
सो नाउ क्वेश्चन नंबर जी करते हैं, बाकी के क्वेश्चन खुद से कर लेना, बस पॉइंट का ध्यान रखना है आपको, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, बाकी नंबर उस वन स्टेंस करके लिख लेना, मैंने आपको बता दिया। अब मैं ये कुछ क्वेश्चन बता दूँ जिसमें फ्रॉम लिखा है, ये भी वही क्वेश्चन है, बस फ्रॉम लिखने की वजह से काफी कभी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। सो बोला है 339.75 फ्रॉम 80.25, सो फ्रॉम का मतलब होता है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ पे 80 पहले लिखेंगे, 80 वैसे भी समझना चाहिए बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो बड़ा तो यही नंबर है ना, तो बड़ा जो नंबर है उसमें से ही छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे 39.75। सो यहाँ पे 5 में से 5 गया 0, 2 में से 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ पे 9 बचा 9 में से 0, 9 में से 9 0, और 7 में से 3 जाएगा 4, तो 40.50 आ जाएगा आंसर। एच है इसमें से 500 मीटर में से हमें इतने को सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो हम खुद से लगा देते हैं 86.741, यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ पे 9 बचा 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ पे 4 बचा 4 में से 1 जाएगा 3, 352.14 मीटर। जे क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें से 4.20 5 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0.658, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो हम 0 लिख देते हैं, 15 में से 8 जाएगा 7, 9 में से 5 जाएगा 4, अब यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 माइनस 6 इज 5, पॉइंट यहाँ पे 3 बचा, तो 3.57 ये इसका आंसर हो जाएगा जे का। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे, ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।